हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा क्या हालचाल। वैसे एक बात बताइए, क्या आपको भी सपने देखना पसंद है? अगर हाँ तो आइए आज आपको दो दोस्तों के ऐसे ही एक सपने की कहानी सुनाते हैं। दो कॉलेज ड्रॉप आउट दोस्तों ने खुली आंखों से एक सपना देखा कि हर ऑफिस की डेस्क पर और हर घर में एक पर्सनल कंप्यूटर की पहुंच बनाई जाए, और फिर अपने इस सपने को पूरा करने में जी जान लगा दी। और फिर उनकी मेहनत, पक्के इरादे और जुनून ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप टेक कंपनी खड़ी कर दी। हाँ बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट, जिसने अपनी पहचान कुछ इस कदर बनाई कि कंप्यूटर्स का दूसरा नाम ही माइक्रोसॉफ्ट हो गया। और देखते ही देखते ये कंपनी ऐसी बुलंदियों तक पहुंची कि ये सोच पाना मुश्किल हो गया कि अगर टेक वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं होती तो क्या होता। तो ये तो आप जरूर जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और रिलेटेड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और सीलिंग में स्पेशलाइजेशन रखती है। लेकिन इस कंपनी ने इतना बड़ा मुकाम कैसे पाया, इसके फाउंडर्स कौन थे और वो एक छोटे से स्टार्टअप को इस पोजीशन तक कैसे ला पाए, इस कंपनी की सक्सेस और फेलियर, ये सब जानने से पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में कुछ खास बातें जाननी बनती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है, जिसके प्रोडक्ट्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस और अजूरे क्लाउड सर्विसेज शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम भी बहुत फेमस है। लिंक्डइन, न्यूएंस, गिटहब, स्काइप टेक्नोलॉजीज जैसी बहुत सारी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडी कंपनीज रही हैं, और बिंग इसका सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमंड वॉशिंगटन में है और 96 कंट्रीज में इसकी 177 ऑफिस लोकेशंस मौजूद हैं। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और नोएडा सहित 11 शहरों में इसके ऑफिसेज हैं। साल 2021 में इस कंपनी की नेट वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो इसे वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट कंपनीज में से एक बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्ल्ड वाइड फुल टाइम एम्प्लॉयज लगभग 1,63,000 हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का हर एम्प्लॉय सॉफ्टी कहलाता है। कितना कूल नाम है ना, सॉफ्टी। वेल, इस कंपनी का मिशन इस प्लैनेट पर मौजूद हर पर्सन और हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करने का है, और इसकी स्ट्रेटेजी है कि इसे मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट वर्ल्ड के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्टिविटी सर्विसेज बिल्ड कर सके। माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स इसके कंज्यूमर्स और स्मॉल बिजनेसेस के साथ साथ वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, और इस कंपनी का रेवेन्यू US और बाकी कंट्रीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाकी टेक कंपनीज की तुलना में माइक्रोसॉफ्ट में इनोवेट करने की जो एबिलिटी रही, उसी का रिजल्ट रहे MS-DOS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और द सर्फेस। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांस कंपनी रही है, ये इस बात से साबित होता है कि 1994 में पहली स्मार्ट वॉच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाई थी, लेकिन द मार्केट इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, जिस टैबलेट कंप्यूटर के लिए एप्पल को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, उस टैबलेट कंप्यूटर का इन्वेंशन भी माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2001 में किया था, लेकिन उसे भी मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी इनोवेशन और माइक्रोसॉफ्ट साथ साथ चलते रहे। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसलिए उसे कई बिगेस्ट टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, IBM, एप्पल, ओरेकल और सोनी के साथ कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी ने 1986 में माइक्रोसॉफ्ट IPO के दौरान माइक्रोसॉफ्ट शेयर्स में $1,000 इन्वेस्ट किए होंगे, तो आज वो पर्सन अपने शेयर्स को $1.6 मिलियन से भी ज्यादा में बेच सकता है। काश वो इंसान मैं होती। एनीवे, अब जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनने की कहानी और उतार चढ़ावों से भरे इसके लंबे सफर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स थे दो दोस्त, बिल गेट्स और पॉल एलन, जिनका कंप्यूटर्स के लिए क्रेज और टेक्नोलॉजी को लेकर के जो पैशन था, उसका माइक्रोसॉफ्ट को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ रहा। और ये पैशन इतना स्ट्रांग रहा कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स जब मिलियनियर्स बन गए, तब भी उनका ये पैशन फीका नहीं पड़ा। और देखते ही देखते गेट्स बिलियनियर भी बन गए। लेकिन बिलियनियर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि एक पर्सन हमेशा सिर्फ सक्सेसफुल होता रहे और फेलियर से उसका कोई लेना देना ही ना हो, क्योंकि बिल गेट्स के बिलियनियर बनने का सफर तो फेलियर से ही शुरू हुआ था। जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू करने से पहले गेट्स ने पॉल एलन और पॉल गिलबर्ट के साथ मिलकर 1972 में अपनी पहली कंपनी ट्राफो डेटा स्टार्ट की,
उस टाइम गेट्स केवल 17 साल के थे और एलन 19 साल के। ट्राफो डेटा कंपनी का पर्पस था रोडवे ट्रैफिक काउंटर्स से रॉ डेटा को रीड करना और ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए रिपोर्ट्स तैयार करना। इस कंपनी को सिर्फ शुरुआती सफलता ही मिल पाई थी, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत गेट्स और एलन को माइक्रो प्रोसेसर को समझने में काफी हेल्प मिली और ये नॉलेज उनकी फ्यूचर सक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए बेहद जरूरी भी थी। इस फेलियर के बाद इतनी बड़ी सोच रख पाना कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी की जाए काफी मुश्किल रहा होगा, आपको क्या लगता है? लेकिन जिसके पास जुनून है उसे अपने फेलियर्स को गिनते रहने की बजाय शायद सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहने में ज्यादा इंटरेस्ट होता होगा, है ना? तभी तो बिना ज्यादा वक्त लिए उन दोनों दोस्तों ने मिलकर के MITS कंपनी के लिए काम किया जो अल्टेयर 8800 बनाती थी। ये पहले कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर थे यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसके लिए उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक डेवलप की। और ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए उन दोनों पार्टनर्स ने MITS कंपनी से ये झूठ भी कहा कि उनके पास ऑलरेडी बेसिक का वर्जन है, जबकि तब तक उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को लिखा तक नहीं था। लेकिन जब 2 महीने बाद दोनों पार्टनर्स MITS कंपनी से मिले तो उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार थी और MITS को वो सॉफ्टवेयर सेल करने के बाद दोनों इस कंपनी के साथ साल 1975 की एंडिंग तक वर्क करते रहे और साथ साथ अपनी पार्टनरशिप को यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को भी आकार देते रहे। और फिर 4 अप्रैल 1975 को अल्बुकर्की न्यू मैक्सिको में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का ये नया नाम माइक्रो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर से मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट बना है। इस कंपनी को शुरू करने के लिए गेट्स और एलन दोनों ने अपना अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया और दोनों यंग कॉलेज ड्रॉपआउट्स ने अपनी स्मॉल कंप्यूटर कंपनी शुरू की। वैसे बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस को देख करके तो यही सोचा जाता है कि बिल गेट्स इस फील्ड में, इस एरिया में सक्सेस पाने को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट रहे होंगे, तभी तो उन्हें और उनकी कंपनी को इतनी ज्यादा सक्सेस मिली होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बिल गेट्स के बचपन का ज्यादातर टाइम भले ही कंप्यूटर के सामने ही गुजरा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई टेक कंपनी शुरू करने का उनका कोई इरादा नहीं था। बल्कि वो तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बनने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि उन्हें मैथ्स की टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत मजा आता था। लेकिन उनके ओल्ड फ्रेंड और फ्यूचर बिजनेस पार्टनर पॉल एलन ने उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का चैलेंज दिया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीरियसली लेने के लिए मना भी लिया। लेकिन गेट्स इस सक्सेस को लेकर के काफी टाइम तक सेल्फ डाउट में रहे और जब माइक्रोसॉफ्ट को 1980s में सक्सेस मिली तब भी बिल गेट्स के लिए खुद पर यकीन कर पाना आसान नहीं था, बल्कि वो तो बहुत डरे हुए थे और ये सोच नहीं पाए थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक बिंग कंपनी बन सकती है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने रफ्तार पकड़नी शुरू की तो अगस्त 1977 में कंपनी ने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस जापान में ओपन किया, जिसे ASCII माइक्रोसॉफ्ट नाम दिया गया। और 1979 में गेट्स और एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को सियाटल में शिफ्ट कर दिया। और फिर 1980 के दौर में वक्त आया पर्सनल कंप्यूटर्स का। इस टाइम IBM ने अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर IBM PC के लिए माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने को कहा। तब माइक्रोसॉफ्ट ने किसी दूसरी कंपनी से ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज किया, उसे मॉडिफाई किया और उसका नया नाम MS-DOS रख दिया। और MS-DOS 1981 में IBM PC के साथ रिलीज हुआ, जिसे PC-DOS कहा गया। और उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स के ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने MS-DOS को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लाइसेंस्ड करवा लिया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के लिए ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। और ये PC-DOS माइक्रोसॉफ्ट का पहला सबसे बड़ा प्रोडक्ट साबित हुआ और उसके नेक्स्ट ईयर लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ज़ेनिक्स। और जब 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने बहुत जल्दी ही पर्सनल कंप्यूटर मार्केट को डोमिनेट कर लिया और अब अप्रोक्सीमेटली 90% PC पर विंडोज का ही कोई वर्जन रन कर रहा है। वैसे कभी या अभी हो सकता है आपके PC में भी विंडोज ही हो। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में काफी सक्सेस हासिल कर ली थी। लेकिन 1985 तक इस कंपनी ने कोई भी एक्सेलेंट ऐप नहीं प्रोड्यूस किया था और जब कंपनी 1985 में MS Excel लाई तो ये ऐप सुपर सक्सेसफुल रहा। और 1995 में लॉन्च हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सेस के मोस्ट पॉपुलर टूल्स में से एक बन गया। माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस की सीढ़ियां तेजी से चढ़ता रहा, लेकिन बिल गेट्स और पॉल एलन की पार्टनरशिप उस टाइम ब्रेक हो गई जब एलन ने बीमारी के चलते 1983 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। लेकिन गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट का साथ काफी लंबा चला। साल 1986 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पब्लिक हुई और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज के बाद 31 साल की उम्र में गेट्स बिलेनियर भी बन गए। माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्पल कंपनी का है।
आज एप्पल वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस में से एक है और माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी है। इनके बीच का कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी काफी लंबे टाइम तक चली। लेकिन जब 1997 में एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई, तब उसका हाथ गेट्स ने ही थामा। एप्पल में इन्वेस्ट करने का मतलब था अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ाना। लेकिन बिल गेट्स ने एप्पल कंप्यूटर में $150 मिलियन इन्वेस्ट करके नॉन वोटिंग शेयर खरीदे और यहाँ तक कि 5 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ्री एक्सेस का ऑफर भी दे दिया। इसी इन्वेस्टमेंट ने एप्पल के लिए लाइफलाइन का काम किया। बिल गेट्स के इस डिसीजन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर की मदद कौन करता है। लेकिन एप्पल की हेल्प करने के लिए गेट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। उस टाइम में माइक्रोसॉफ्ट US गवर्नमेंट के साथ लीगल ट्रबल में थी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अपनी मोनोपोली बना रखी थी जो कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचा रही थी और दूसरी कंपनीज को ग्रो करने का चांस नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट की इस मोनोपोली पर ऑब्जेक्शंस खड़े होने लगे थे। इसके अलावा एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट पर यह मुकदमा भी ठोक रखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसके मैक ओएस के लुक और फील को कॉपी किया है। इन सारे मामलों के बीच माइक्रोसॉफ्ट की इमेज पर बुरा असर पड़ रहा था। ऐसे में जब स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स से हेल्प मांगी तो बिल गेट्स को अपनी इमेज सुधारने का एक अच्छा मौका मिल गया क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को डूबने से बचाना माइक्रोसॉफ्ट की इमेज को बेहतर बना सकता था। और ऐसा हुआ भी। एप्पल को बचाने से माइक्रोसॉफ्ट पर लगे मुकदमे हट गए और उसकी मार्केट इमेज काफी इम्प्रूव भी हो गई, जो एक कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होती है। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने से लेकर के उसके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने और चैलेंजेस को फेस करने के बाद साल 2000 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोजीशन से हट गए, लेकिन 2020 तक बोर्ड मेंबर बने रहे। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुरू कर लिया ताकि पूरी दुनिया की सोशल एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के एक सक्सेसफुल फाउंडर और सीईओ रहे, लेकिन उनसे भी मिस्टेक्स तो हुई, जैसे कि उनकी फर्स्ट कंपनी ट्राफो डेटा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो वर्ल्ड का लीडिंग सर्च इंजन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मौका गूगल के पास जाने दिया। उन्होंने एप्पल को बचाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया और आज एप्पल माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी बन गई है। उन्होंने इंटरनेट की पावर को पहचानने में देर कर दी और बाकी कंपनीज को माइक्रोसॉफ्ट से आगे बढ़ जाने दिया। लेकिन जैसा कि खुद बिल गेट्स ने कहा है कि सक्सेस को सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन फेलियर की सीख पर ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वैसा ही कुछ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी टाइम टाइम पर किया है। यानी अपनी सक्सेस को विंडोज, ऑफिस, एक्सबॉक्स, ऑफिस 365 और अजूरे क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए सेलिब्रेट भी किया। तो माइक्रोसॉफ्ट किन बीओबी 1.0, विंडोज फोन, जूने प्लेयर और विंडोज विस्टा प्रोडक्ट्स के रूप में मिली फेलियर्स को भी सुधारने पर लगातार काम किया, तभी तो ये कंपनी आज भी टॉप टेक कंपनीज में शामिल है। बिल गेट्स के बाद स्टीवन एंथनी बॉलमर ने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, जो 2000 से 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। बॉलमर को 1980 में बिल गेट्स ने ही हायर किया था, जो 1998 में यानी कि 1998 में प्रेसिडेंट बने और 2000 में सीईओ। बॉलमर ने माइक्रोसॉफ्ट में जो कंट्रीब्यूशन दिया उसकी बदौलत कंपनी की सेल्स तिगुनी हो गई और प्रॉफिट 2 गुना हो गया। लेकिन बॉलमर को माइक्रोसॉफ्ट की कोर पीसी सॉफ्टवेयर, विंडोज और ऑफिस पर बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए क्रिटिसिज्म भी मिला। इसके अलावा सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी को डिवाइस मैन्युफैक्चरर में बदलने की कोशिश के लिए भी उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और खुद बॉलमर ने माना कि उनके सारे डिसीजंस तो सही नहीं थे, लेकिन उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। और सीईओ के तौर पर उनके ऐसे ही कुछ अचीवमेंट्स में 2001 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स को रिलीज करना था और कुछ फेलियर्स में माइक्रोसॉफ्ट का नोकिया के साथ डील करना था। साल 2012 में तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला सर्फेस टैबलेट जारी करके कंप्यूटर हार्डवेयर बाजार में एंट्री ली और साल 2013 में नोकिया कंपनी के साथ डील कर ली, जो कि एप्पल के किस्से की तरह बिजनेस की दुनिया में काफी चर्चा में रही। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक्वायर किया ताकि फीचर फोन के इमर्जिंग मार्केट में अपनी प्रेजेंस भी बिल्ड कर सके, नोकिया के जरिए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके और यूजर्स को विंडोज बेस्ड डिवाइस पर शिफ्ट किया जा सके। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं सोच पाया कि शाओमी, हुवाई और बहुत से स्मॉल प्रोड्यूसर्स बजट प्राइस में एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स तैयार कर देंगे, और जब नोकिया फीचर फोन और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन होगा तो यूजर बजट फ्रेंडली फोन को ही यूज करेंगे। और ऐसा हुआ भी, और इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट काफी पीछे छूट गया, मार्केट शेयर गिर गए और माइक्रोसॉफ्ट को अपना एंट्री लेवल फोन बिजनेस $350 मिलियन पर बेचना पड़ा।
और इस तरह नोकिया मोबाइल फोन बिजनेस को $7.2 बिलियन में एक्वायर करने का डिसीजन इस कंपनी की सबसे बड़ी गलती में शामिल हो गया। लेकिन अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से साल 2019 में नोकिया से पार्टनरशिप की और इस बार पार्टनरशिप का पर्पस क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन लाना रहा। साल 2014 में बॉलमर ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी छोड़ दी और तब साल 2014 में सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने, जो 1992 से कंपनी से जुड़े हुए थे। वैसे तो नडेला प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनकर उन्होंने टेक्नोलॉजी की पिच पर ऐसे शानदार शॉट्स लगाए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फिर से टॉप पोजीशंस में अपनी जगह बना पाई। कंपनी के CEO के तौर पर नडेला पर ये प्रेशर बना रहा कि वो माइक्रोसॉफ्ट को फिर से मोस्ट डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी में शामिल करवाए, और नडेला ने ऐसा कर दिखाया। इसके लिए उन्होंने फ्यूचर बिजनेस क्लाउड कंप्यूटिंग में फंड लगाया और उसे बिल्ड किया। नडेला ने क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे ग्रोइंग बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और लिंक्डइन, न्यूएंस और गिटहब जैसी कंपनीज को अक्वायर भी कर लिया। आज माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम मार्केट में सॉलिड परसेंटेज रखता है और सेकंड पोजीशन पर बना हुआ है, जबकि फर्स्ट पोजीशन पर अमेज़न वेब सर्विसेज ने अपनी पकड़ बना रखी है। तो दोस्तों, आज भले ही माइक्रोसॉफ्ट अपने फाउंडिंग फादर्स यानी बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे बिल गेट्स और पॉल एलन ने जो भी एम्बिशियस गोल सेट किया था, यानी कि हर डेस्क और हर घर में एक PC को जगह दिलाना, वो गोल बहुत बड़े लेवल पर अचीव होता हुआ भी नजर आया है, क्योंकि आज 1 बिलियन से भी ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स बिजनेसेस और घरों में यूज हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सपने सच तो होते हैं, मेहनत रंग तो लाती है, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत करो, अपने डर से जीतो। सक्सेस को सेलिब्रेट करने के साथ फेलियर से सीख कर आगे भी बढ़ते रहो, और हाँ, बदलाव का खुले दिल से स्वागत करो। तो दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट की ये केस स्टडी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप आगे भी ऐसी केस स्टडीज देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के जुड़ने से हमारी मेहनत भी रंग ला सके और आपकी नॉलेज भी इतनी इम्प्रूव होती चली जाए कि आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस मिलती जाए। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।